वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और सभी बड़ों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे चेहरे के ऊपर खुशी इसलिए क्योंकि 5-6 दिन से क्या है एकदम से गर्मी बढ़ गई थी और बहुत तेज झमाझम बारिश स्टार्ट हो चुकी है। 5:35 हो रहे हैं अभी, तो बस अब व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। यार ये कॉलोनी के अंदर बस, अरे अंकल चलो, ई रिक्शा वाले भैया ने बीच में मोड़ लिया। भैया ये लोग यार अपनी लेन में चलना कब सीखेंगे, मतलब अरे मेरे भाई पूरा ही मेरे पे चढ़ा हुआ आ रहा था एकदम से। अभी एक गाड़ी वाला जस्ट मैं भी आपसे बात कर रहा था और सामने से पूरा का पूरा आ रहा है और एकदम मेरी गाड़ी के सामने ही आ गया। अब यार लेन तुम्हारी दे रखी है, दो लेन उधर की साइड है, दो लेन इधर की साइड है, तो अपनी लेन में चलो ना भाई। दूसरे की लेन में आकर के अटैक करने का क्या मतलब बनता है? वरना वाले भाई साहब बीच में लेके खड़े हो गए आप। ये अरे यार भाई से कट के नहीं दे रही गाड़ी यार। गलत वरना वाला खड़ा था बीच में और चढ़ने के लोग मेरे पे तैयार हो गए। मैंने इसलिए बीच में है ना कैमरा ऑफ कर दिया था, एकदम से क्या है कि पीछे के लोग क्या है हल्ला गुल्ला मचाने लग गए, बोल रहे हैं कि बोले आप क्यों नहीं चल रहे हो। तो मैंने कहा मैं इनके ऊपर से क्या चढ़ के उड़ के जाऊँ क्या यार, मतलब समझ ही नहीं आता लोगों का पेशेंस लेवल है ना कहाँ घुस गया है पता नहीं यार। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही बढ़िया मज़ेदार एकदम ट्रैफिक जाम, बारिश के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक तो क्या है गड्ढे भरे ही नहीं थे, तो वो तो और जो खुदे हुए होंगे ना वो और खुल गए होंगे और मज़ा आ रहा होगा लोगों को। इस चक्कर में ट्रैफिक जो है वो बढ़िया जाम हो रखा है यार। आप लोग यार व्लॉग को यार लाइक नहीं करते हैं यार, पता नहीं क्यों। देखते हैं थोड़ा बहुत, जितना भी देखते हैं मेरी रेगुलरिटी को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, बस आपसे इतना सा चाह रहा हूँ। लाइक करके जाइए यार, उस बटन के ऊपर हथौड़ा देके मारिए या कुछ भी मारिए, लेकिन उस बटन को है ना लाइक करके जाया करिए। देख रहे हैं आप लोग राइट हैंड साइड में जाम, क्या बढ़िया जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियां रुकी हुई खड़ी हैं। देखिए जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट नॉन वेज का आउटलेट। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छी खासी सेल उठाता है ये। टॉक ऑफ द टाउन MI रोड के ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा शानदार चलता है और लोग जितने भी मेरे कुछ एक परिचित हैं जानकार हैं वो भी ये कहते हैं कि यार बोले टेस्ट वेस्ट है ना बहुत ही भयंकर, बहुत ही शानदार टेस्ट सर्व करता है। तो यार ये गाना अभी मैं सुन रहा था FM के ऊपर आ रहा था, नींद चुराई मेरी किसने वो सनम तूने, यार गाना कितना ज़्यादा बढ़िया था यार, मतलब एकदम से अपने 90s के टाइम के सॉन्ग सुनते हैं ना यार तो मज़ा आ जाता है। मेरी यार प्लेलिस्ट मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी ट्रैवल प्लेलिस्ट, लेकिन सभी को ऐसा लगता होगा। तो आप लोगों के पास भी कुछ सजेशंस हैं तो यार कुछ 4-5 सजेशन भेजिए मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ यार आप लोगों की भी प्लेलिस्ट कैसी है, आप लोगों का भी टेस्ट कैसा है, और मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर यार सुनूंगा यार। अंकल जी चलो, अरे आगे भी जाम, आगे भी वही जाम लगा हुआ है यार, शायद देखता हूँ कौन सी गली में से डालूँ अब। मज़ा आने वाला है, मज़ा बोले तो मज़ा, गलियाँ पैक पड़ी हैं उधर से भी गाड़ी, राइट वाली खाली है, राइट वाली में निकाल लेते हैं अपन। सामने तो पूरा जाम अटका हुआ पड़ा है, अभी सूकड़ गली में से एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो अभी I-10 वाले भाई साहब निकाल लें बस, अब अपन निकलेंगे। मेन रोड पर आ चुके हैं और अभी तक तो एकदम बढ़िया लग रही है, अभी तक तो कहीं कोई इशू आ नहीं रहा। देखो अभी तो मूविंग ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन सामने अंबेडकर सर्किल और अपन उससे लेफ्ट होकर के स्टैचू की तरफ जाएंगे और फिर स्टैचू से अपने को राइट लेना है। जब यार मौसम अच्छा हो रहा होता है ना तो थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक जाम थोड़ा बहुत कहीं अटक भी जाते हैं ना तो कोई इतना इशू आता नहीं है, मतलब ऐसा लगता है ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गाने की वॉल्यूम बढ़ाओ या ज़रा सी खिड़कियाँ खोल लो और चिल होके एकदम चिलैक्स होकर के बैठो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा अटक गया हूँ पर मेरे मुंह पे अभी तक शिकन आई नहीं है और आशा करता हूँ कि आएगी भी नहीं। और आज तो फ्राइडे है यार, आज तो वैसे ही शाम को जब मैं वापस से लौट रहा हूँ उस टाइम पे भीड़ भड़क का मिलने वाला है एकदम खचाखच। सामने स्टैचू सर्किल के ऊपर क्या है बहुत बुरा जाम हुआ पड़ा है और आप लोग देख रहे होंगे लोग बीच बीच में भी लौट रहे हैं, तो बस समझदारी इसी में है कि लग गए यहाँ भी, अब नहीं लौट सकता मैं, अब यूटर्न नहीं मार सकता मैं यहाँ से क्योंकि बीच में डिवाइडर है। अब अटक गया भाई मैं, अब तो अटक ही गया सच में, अब तो अटक गए भाई, अब तो लग गए। अब यार ये एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी यार, सबके सब अटके पड़े हैं और एम्बुलेंस भी खड़ी है और लेफ्ट में बिल्कुल जगह नहीं है।
आई होप ये निकल जाए, बस यार निकल जाए। थोड़ा थोड़ा लोगों ने जगह बनानी स्टार्ट करी है यार। एम्बुलेंस अटकना है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख भरा होता है यार। एम्बुलेंस नहीं अटकनी चाहिए यार, मतलब किसी का भी परिचित हो, किसी का भी जानकार है यार, किसी का बच्चा है, बहन है, बेटी है, कोई भी है, मतलब कोई ना कोई तो है ना यार जिसके चक्कर में परिवार वाले चिंतित हैं। तो एम्बुलेंस नहीं है यार, इसलिए एम्बुलेंस के लिए एक अलग सी लेन होनी चाहिए यार। इसीलिए मैं बार बार अपने ब्लॉग्स के अंदर बोलता हूँ, जो कि आपको बोरिंग भी कभी लगता होगा, कि यार लेन सिस्टम होना है ना, मस्ट है यार। और लेन सिस्टम भी कौन सा, जो मैं बोलता हूँ प्रॉपरली इम्पोज्ड, मतलब अच्छे से अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो चालान कट रहे हैं आपके और समथिंग लाइक दैट। पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा खुल गया है, और मुझे तो वैसे भी सीधे नहीं जाना, मैं तो लेफ्ट ही निकलूँगा। सामने अपने आगे एसएस जैन सुबोध कॉलेज, ये राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है ये रहा ऊपर। और इधर भी लोग बढ़िया अटके हुए खड़े हैं रामबाग चौराहे की तरफ जाने वाले, जो सामने सुबोध की तरफ से आ रहे हैं। और सुबोध के जस्ट बाद में क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर ब्रांच। ये रहा, ये आपका आगे आरबीआई। अपन आए हैं यार सेंट्रल पार्क, बस एंट्री ले ली है मैंने सेंट्रल पार्क के अंदर। सोचा था यार आप लोगों को सेंट्रल पार्क दिखाऊंगा अच्छे से, लेकिन क्या है कि 5:30 बजे निकला था, निकलते टाइम तो काफ़ी उजाला था, और अभी बारिश बारिश की वजह से क्या है कि यार प्रॉपरली है ना, मतलब अंधेरा थोड़ा सा जल्दी हो गया है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं कल आपको सेंट्रल पार्क दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी क्या भूख लग गई तो थोड़ा खाने पीने के लिए जा रहा हूं मैं, तो बस आपको वो दिखाते हैं। और साथ में क्या एक बात मुझे आपसे करनी थी, जो कि कल के व्लॉग में भी करनी थी, मैं भूल गया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगा। तो अभी तो चलते हैं यार सेंट्रल पार्क से वापस, और कल आएंगे यार सुबह या फिर दिन में बढ़िया, और फिर आपको क्या है मैं दिखाऊंगा अच्छे से सेंट्रल पार्क का, क्या है कि यार कैसा है दिखने में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। स्टैचू सर्कल सामने आ चुका है, लेकिन रुक रुक के चलना चालू हो गए हैं, और इससे मेरे को ये पता चल गया है कि यार अटकने वाले तो हैं अपन। अटकना यार मजबूरी सी बन गया है, क्योंकि खाने के लिए मुझे चक्कर काट के सर्किल का और राज मंदिर वाली रोड पे राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, तो सर्किल को यार चक्कर काटना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर से भी कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। तो यार यहाँ पे खड़े खड़े फूड ट्रक पे मेरे 1.5 घंटे निकल गए, और क्या है कि बहुत ही अच्छा है ना टाइम स्पेंड हुआ है। जो आंटी थी फूड ट्रक वाली, मतलब पहले मैंने वड़ा पाव खाया, फिर आंटी के यहाँ से मैंने दाबेली खाई, और बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी। आंटी ने बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, कुछ एक मेरी भी चीज़ें थी मैंने उनके साथ में शेयर करी। शी वॉज टू स्वीट, और उन्होंने बताया कि यार नहीं यार उनकी बेटी जो थी वो भी लाइफ के अंदर कुछ टफ फेज से गुजरी थी, और इट वाज़ अ वेरी गुड कन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया यार, और अच्छा लगा, एकदम फैमिली जैसा लगा कि उन्होंने अपनी माँ, मतलब मेरी माँ की तरह उन्होंने है ना एक तरीके से मेरे को गाइड किया कुछ चीज़ों के अंदर। अभी मैं खड़ा हूँ यार अजमेरी गेट रेड लाइट पे, और मेरे को मन हो गया है लाला जी के यहाँ की पताशी खाने का, तो मैं जा रहा हूँ लाला जी पताशी वालों के यहाँ पे। और मैंने आपको शायद प्रॉपरली लाला जी पताशी दिखाया भी नहीं था, बस एक ब्लॉक के अंदर बताया था कि सरकासूली के अपोजिट साइड में है, तो का जो पानी है काफ़ी लाइट है। दूसरा क्या है कि अभी ये जो बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे कि आज भी अच्छी खासी बारिश हुई है, उसके बाद भी है ना उनकी पताशियाँ जो है वो आपको क्रिस्पी ही मिलेंगी। तो जयपुर शहर से होते हुए जाऊँगा मैं पूरा का पूरा। ये देखिए लाइटें वाइटें बढ़िया जल रही हैं एकदम, जैसा कि मैंने आपको एक ब्लॉग के अंदर दिखाया भी था कि शाम को क्या है कि जयपुर एकदम जगमग हो जाता है, जो सिटी एरिया है जयपुर का। तो यहाँ से होते हुए पूरे अपन जाएंगे लाला जी पताशी वालों के पास में। और ये नाम लाला जी कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊँगा, एक बार मैं लाला जी पताशी वालों के यहाँ पर पहुँच जाऊँ, उसके बाद बढ़िया अपन पताशी खा लें। पेट में क्या है कि पताशी को लेकर के गुदगुदी मच रही है। कल जो है ना, कल का पताशी का एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं पाया था, जो नंद चाट वाले जो मैंने आपको दिखाए थे। ऐसा है कि यार मैं भी खुद उनके पास में पहली बार गया, और वो बस वो काफ़ी फेमस हैं और उनकी दुकान पे हमेशा भीड़ रहती है, मैंने नाम भी सुना है उनका। लेकिन हुआ ऐसे कि उनकी पताशियाँ तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी थी, बढ़िया थी, लेकिन पताशी के अंदर वो जो है ना मेरे को एक मज़ा आया नहीं, टेस्ट आया नहीं। तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आप पताशी गोलगप्पे बनाते किस चीज़ के हो, क्योंकि आटे के तो लग नहीं रहे, और मैं जनरली क्या आटे के खाता हूँ, सूजी के भी प्रेफर नहीं करता। वो भाई साहब गोलगप्पे निकले उड़द की दाल के, तो मैंने कह रहे यार अब ले लिए हैं, 50 रुपये लग गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने उनको कुछ बोला नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें उनकी फॉल्ट भी नहीं है, वो तो बेचते ही वही वाले हैं, उनके पास ना आपको आटे के मिलेंगे ना सूजी के। ये राजा पार्क के अंदर है,
और क्या है कि एकदम क्रिस्पी मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत साफ़ सफाई मिलेगी डब्बे वब्बों के अंदर डाल करके, और उसके भी अंदर पन्नी लगा के ढंग से उसके अंदर। जय हो बाबा की जय हो, ताड़केश्वर महाराज की जय हो जय हो। सामने आ चुका है गोविंद देव जी का गेट, जो कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है। मैंने आप लोगों को दिखाया था जन्माष्टमी के टाइम पे ही खुलता है सिर्फ, मतलब मैंने आपको बताया था। राइट हैंड साइड में दिख रही है बस ये लाइटों के बाद में सरकासूली, और सरकासूली के सामने अपने को मिल जाएंगे लाला जी। तब बस पहुंचते हैं, और भीड़ दिख गई है दूर से ही कि भैया दिख चुके हैं अपने को, ये रहे सामने, ये हैं लाला जी पताशी वाले भैया, जस्ट इस बंटे के पीछे जो सोडा है ना उसके पीछे वाले, ये देखिए आपको दिख गए होंगे। हाँ जी, तो रीच्ड लाला जी पताशी, पहुंच गया हूँ बस, और एक बार खा लें यार बढ़िया तरीके से। बढ़िया मज़ा आ गया यार लाला जी की पताशी खा के। और मैंने जो आप लोगों को दिखाया था वो था इनकी दही पपड़ी की हाफ प्लेट, पर आप लोग अगर पता नहीं अंदाज़ा लगा पाए हो कि कितना बड़ा साइज़ था यार इनकी पताशी का, इतना बड़ा तो कम से कम रहता ही रहता है। जो हम नॉर्मली पताशी खाते हैं ना, बच्चा पताशी, उससे तो ढाई गुना आप मान के चलो, कम से कम ढाई तीन गुना आराम से ऐसा इनका साइज़ है। प्लस प्रॉपर मसाला भर के देते हैं, पानी बहुत लाइट रहता है, और टेस्ट लाजवाब। लाला जी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पापा का नाम लाला जी था, जो कि पहले खिलाते थे, उनकी डेथ हो गई तो अब क्या है कि उनकी जगह पे ये खिलाते हैं, और बहुत ही बढ़िया यार, आज तक क्वालिटी मेंटेन्ड है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अजमेरी गेट यादगार रेड लाइट पे खड़ा हूं मैं, और सामने आप लोग देख पा रहे होंगे पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे प्रेम पान। जो प्रेम पान वाले हैं कम फेमस नहीं है यार, सुबह के 4 बजे तक खुले रहते हैं, और बहुत ही शौकीन लोग जो पान के हैं ना, वो आपको 2 बजे 2:30 बजे यहाँ पे खूब मिल जाएंगे दबा के। बहुत ही फेमस आउटलेट है प्रेम पान वालों का, पान भी बहुत अच्छा है। कल मेरे पूज्य दादाजी श्री भोपाल सिंह जी की जो श्राद्ध था, हमने दूसरा श्राद्ध मनाया उनके, क्योंकि दूसरा साल उनको गए हुए हो गया है, और 6 दिसंबर को कम्प्लीट हो जाएंगे उनके गए हुए 2 साल। उनके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था। दादाजी जो थे ना यार मेरे, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट दादा थे। लोग कहेंगे सभी के बेस्ट दादा होते हैं, और बिल्कुल सबके हिसाब से सबके दादाजी बेस्ट होते हैं। दादा दादी क्या है, पोतों को अपने जो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स होते हैं, पोते पोतियां, उनको दादा दादी से ज़्यादा लाड यार कोई भी नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इस पर बिल्कुल है ना ठोस हूँ, मतलब श्योर हूँ कि हाँ, माँ बापों से ज़्यादा है ना दादा दादी है ना अपने है ना पोता पोतियों को प्यार करते हैं। तो मेरे दादाजी जो है ना यार, उसूलों के बहुत पक्के थे। लोग कहते हैं ना यार, वर्ड ऑफ माउथ, ज़बान का पक्का आदमी। आज बोलने को बहुत सारे लोग अपनी ज़बान दे देते हैं, और पहले भी यार ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा लोग ज़बान वाले होते थे, पहले भी कम ही होते थे, आज भी कम होते हैं, पर दादाजी का ऐसा था कि यार ज़बान दे दी है ना तो फिर यार वो अटल हो जाएगी यार, वहीं के वहीं रहेगी। दादा हमेशा बहुत ही मेहनत करने वाले, और दूसरा हमें बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे। मैं कभी भी कितनी भी ट्रैवलिंग पे चला जाऊँ, मतलब कितने ही टाइम से मैं अगर बाहर गया हूँ, मुझे गए हुए मान लीजिए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, दादाजी का खाली एक बार फ़ोन आता था, हाँ बेटे कैसे हो, तो मैं बोलता था दादा बस ठीक हूँ, बोले खुश रहो बस। कभी नहीं कहा उन्होंने कि वापस आ जाओ, कुछ भी है वो, बस ये पूछते थे ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना सा। सोचिए कितना ट्रस्ट था यार उनको। और आजकल हम लोग यार लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि लोग इतने अच्छे ट्रस्टवर्दी होते नहीं हैं, लेकिन कितना हमें ट्रस्ट करते थे, कितना प्यार करते थे यार वो, मैं बता ही नहीं सकता आपको। दूसरा ज़बान के पक्के इतना ज़्यादा, दूसरा क्या है कि वचन के पक्के इतना ज़्यादा कि उनके दोस्त लोग उनको है ना अपने प्लॉट के कागज़ दे दिया करते थे यार। आप सोचिए आज के ज़माने में जहाँ लोग एक दूसरे की गर्दन काट देते हैं 2 पैसे के चक्कर में, वहाँ मेरे दादाजी को जो उनके परिचित लोग थे, दूर दराज के दोस्त, दूसरे सिटीज़ के, दूसरे स्टेट्स के, ऐसा भी नहीं कि सेम सिटी के अंदर कुछ लोग, तो अगल बगल के घर वाले आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं यार, वो उनको क्या है अपने ज़मीन के कागज़ दे देते थे कि ठीक है ना भाई साहब, डेंगरी साहब, आप जो हैं ये है ना प्लॉट जब हमारा बिक जाए तब बता देना। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ठीक है यार, मान लीजिए वो दूसरे सिटी में रहते हैं, सपोज़ आप यहाँ पे एक्स सिटी में रहते हैं और मैं वाई में रहता हूँ, वाई में आपका प्लॉट है, तो आप क्या है मेरे पे ट्रस्ट करके अपने प्लॉट के कागज छोड़ गए कि जब भी बिके तब आप बता देना। तो दादाजी जो हैं वैसे के वैसे उतने के उतने मुट्ठी में जितने पैसे पकड़े होते थे ना, एक तो सही भाव में जब भी जिसको भी बिकवाना हो बिकवाते थे, कहीं कोई कमीशन नहीं लेना, सीधे के सीधे है ना उतने के उतने पैसे उनके पास छोड़ करके आते थे, ये भी नहीं कि वो जब आएंगे ना तब दे देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ज़्यादा ही कोई दूर दराज वाले हुए तो उनके पैसे अपने पास में रख लिए और फिर जब वो आए तब दे दिए। इतना ज़्यादा ट्रस्ट यार, ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलेंगे,
मुझे नहीं लगता कि मेरी कहानी सुनने के बाद में आपके जहन में, आपके दिमाग के अंदर कोई भी ऐसा इंसान आ रहा होगा जिसके ऊपर दुनिया में है ना लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। तो मेरे दादाजी इतने अच्छे थे। बस घर से पहले वाली रेड लाइट पे खड़ा हूँ और आज के व्लॉग की यार एंडिंग करते हैं यहीं पे। अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग यहाँ तक का देखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सभी बड़ों का विशेष तौर से सम्मान करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि मेरी रेगुलरिटी आपको पसंद आ रही होगी। हालांकि कभी कभी कुछ मैं दिखा पाता हूँ, कभी नहीं दिखा पाता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो भी होता है मेरे रूटीन के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ और साथ में क्या कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी नहीं हो पाता है तो उसके लिए माफ़ करिएगा।